मल्टीपर्पज ऑक्टोकॉप्टर ये एक से दूसरी जगह 25 से 30 किलो तक का लोड ले जा सकता है, और ये काम ये न सिर्फ प्लेन्स में बल्कि हाइटीट्यूड के इलाके में भी कर सकता है, जो कि एक बहुत बड़ी खूबी है। इन हाइटीट्यूड इलाकों में एक बड़ा चैलेंज था कि ज्यादा क्वांटिटी में सामान को ले जाने में, ये 5 से 10 किलो तक का ही सामान ले जा पाते थे। ये ऑक्टोकॉप्टर 25 से 30 किलो सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। इसका इस्तेमाल खास तौर से ऐसे इलाकों में किया जा सकता है जो बर्फीले हैं या दूर दराज में स्थित है। यहाँ पर बर्फबारी के दौरान ये पोस्ट कट ऑफ हो जाती है और आना जाना बंद हो जाता है। ऐसे हालात में यदि हमें कोई रसद सामग्री, एम्युनिशन, हथियार या मेडिकल सप्लाई पहुंचानी है तो ये ड्रोन एक वरदान है। सामान ले जाने के अलावा वेपनाइज ड्रोन के तौर पर भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसमें एक समय पर एक राइफल और एक एनजीएल ऑलरेडी माउंटेड है। एनजीएल की मदद से जहां ग्रेनेड दागे जा सकते हैं, वहीं राइफल की मदद से पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ से दुश्मन को एंगेज किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें हैंड ग्रेनेड्स भी 4 लटकाए गए हैं, जो कि पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ पर दिए हुए टारगेट पर गिराए जा सकते हैं और दुश्मन को बर्बाद कर सकते हैं। जो इसमें सर्वेलेंस कैमरा है वो इसमें एक सर्वेलेंस ड्रोन के तौर पर भी काम करने की खासियत देता है। तो इसके 3 मुख्य काम बनते हैं, कार्गो ड्रोन, सर्वेलेंस ड्रोन और वेपनाइज्ड ड्रोन।